स्टूडेंट किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें LHS और RHS को लिखना होगा। LHS साइड में जो भी एलिमेंट है हमने लिख लिए हैं, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। RHS साइड में भी हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। उसके बाद में हम नंबर ऑफ एटम्स उसके लिखेंगे। हाइड्रोजन है यहाँ पे 2+2 4, यहाँ पे सल्फर है 2 और ऑक्सीजन है 7+1 8। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन दिया है 4 और सल्फर है 1। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के एटम्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन हो गए 4। उसके बाद में देखिए सल्फर 2 है, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में सल्फर हो गए 2। उसके बाद में 4 2 8, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गए है 8 और यहाँ पे कितना है 7 और 1 8। तो इस तरह से दोनों के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के सेम हो गए, तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया।